गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। मेरे घर पे गणेश जी की छोटे छोटे दो मूर्ति है, तो इस बार फर्स्ट टाइम मैं गणेश पूजा कर रही हूँ, इसलिए घर पे छोटा सा पूजा कर रही हूँ। तो सुबह से एकदम रात तक मैं क्या क्या की हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग भी देखते रहे ना। तो देखो, सुबह सुबह उठ के मैं झाड़ू पोछा लगा रही हूँ एकदम। मैं 6:30 बजे उठ गई थी और ब्रेकफास्ट में शांतनु के लिए पोहा बनाई थी। तो अब झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करने के बाद मैं आ चुकी हूँ लंच प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज के दिन तो पूरा भेज खाना पड़ेगा क्योंकि आज घर पे पूजा है, तो इसलिए भेज में देखो ऐसे ही नॉर्मल सा आइटम जो है वही बना रही हूँ। ऐसा पालंग शाक जो है वो बना रही हूँ, इसमें छोटे छोटे बड़ी यूज़ की हूँ मैंने, दाल की बड़ी होता है वो वाला, और गाजर वगैरह ये सब सब्जी डाल के मैं बनाती हूँ। अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। और इसके साथ थोड़ा बहुत पालंग दिया दाल में, मसूर दाल में ऐड की हूँ क्योंकि पालंग मसूर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लाइट खाना मुझे बहुत अच्छा लगते हैं हमेशा भेज आइटम में। अभी सब्जी काटने के टाइम थोड़ा बहुत कद्दू को काट लिया आधा करके, आधा से भी कम। इसको अभी अच्छी तरह से काटने के बाद ये अभी चावल में ऐड करूँगी और बॉयल होने दूँगी। इसको हमारे बंगाली भाषा में बोलते कुमड़ो भाते, तो ये कुमड़ो भाते तो बहुत अच्छा लगता है। ये जब बॉयल हो जाएगा तब इसमें एक दो ड्रॉप सरसों की तेल और उसके साथ नमक और एक हरा मिर्ची ऐड करके बहुत अच्छे से आप स्मैश करें, आलू भरता जैसा स्मैश करें और गरम गरम चावल के साथ खाएं तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी है। तो चलो आप देखो, इधर दाल भी हो रहा है और मैं एक सब्जी बना रही हूँ, वो उसके लिए तेल में 5 फोड़न ऐड की हूँ। और देखो अभी दूध वगैरह लेकर आए थे बाज़ार से क्योंकि आज एक मीठा बनाऊंगी, इसलिए ये सब कुछ ज़रूरत है, तो इसलिए दूध दही ये सब लेकर आए थे। तो ये सब्जी मीन्स करेला आलू और साथ ही साथ बड़बटी जो होता है ये सब कुछ एक साथ में मिला के एक मिक्स वेज होगा। आज बहुत ही कम सब्जी हो रहा है, अमाउंट में कम, क्योंकि मैं ज़्यादातर नहीं खाऊंगी, मैं पूजा देने के बाद खा लूँगी। और देखो ये सब खाना पीना ऑलमोस्ट रेडी हो गया इधर। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद नहा लिया और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ एक साड़ी पहन के। बस एक थाली में छोटा सा एक रंगोली बनाई गणेश जी की और वही मैं सामने रखूँगी, उसके ऊपर दिया जलाऊँगी। तो देखो सारे फल मैं काट चुकी थी और ये फल को अच्छी तरह से धोने के बाद मैं अभी एक बोल में प्रसाद हिसाब से गणेश जी के लिए बस रेडी कर रही हूँ। तो आप लोग देखते रहिए ऐसे मैं पूजा कर रही हूँ मेरा गणेश जी को और आरती भी कर रही हूँ, सब कुछ देखते रहिए।
तो आज के दिन मैंने सोचा था मोदक बनाऊंगी, पर मोदक हम मिठाई की दुकान पे गए तो मिल गया, इसलिए मोदक नहीं बनाया। पर उसकी जगह पे शांतनु ने बनाया कोलकाता स्पेशल रसगुल्ला, तो बहुत अच्छा लगा मुझे रसगुल्ला। तो वही थोड़ा जाई के घर पे देने के लिए जा रही थी मैं। और देखो रसगुल्ला ये पहली बार ट्राई किए हैं, उतना सॉफ्ट नहीं हुआ, पर टेस्ट वाज अमेजिंग, जस्ट लाइक कोलकाता रसगुल्ला। तो आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर की, और आप लोग रेसिपी देखना चाहते हैं छोटा सा एक कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पहली बार जो रसगुल्ला ट्राई की हूँ, बहुत अच्छा लगा। इसका टेस्ट थोड़ा बहुत नरम कम हुआ, जो एक्चुअली कोलकाता रसगुल्ला जो होता है बहुत सॉफ्ट, वो उतना सॉफ्ट नहीं हुआ। बट महाराष्ट्र में आकर इधर कोलकाता जैसा रसगुल्ला खाना मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मेरा दिल तो बहुत खुश हो गया सच में। तो खुशी खुशी मन में मैं देखो आ चुकी हूँ चाय बनाने के लिए। शाम को चाय भी बन गया हमारा, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर। जो जो मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं तो सभी को वेलकम, चाय पीने के लिए आप लोग भी आ जाइएगा। रात में रोटी बना रही हूँ आप जैसे देख रहे, और प्रेशर कुकर में तुअर दाल ऑलरेडी दे चुकी हूँ, क्योंकि अभी दाल फ्राई होगा। और एक पनीर मसाला लेकर आए थे वही, और साथ ही साथ रोटी ये सब खा रही हूँ। तो चलो आज की वीडियो इतने तक ही है, अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा।